दोस्तों ने कहा कि हमारी गर्लफ्रेंड दिल्ली से पुणे जा रही है, लेकिन हम उन्हें रोकना चाहते हैं। कुछ ऐसा करो कि वो रुक जाए। दोस्ती निभानी थी, इसलिए उसने बम होने की झूठी खबर फैला दी। गुरुवार को दिल्ली मुंबई स्पाइस जेट की फ्लाइट में बम होने की सूचना के बाद जांच में यह बात सामने आई और पुलिस ने बम की अफवाह फैलाने वाले ट्रेनी टिकट एजेंट को गिरफ्तार कर लिया। क्या है पूरा मामला देखिए आप। फ्लाइट में बम है। गर्लफ्रेंड से करना था प्यार का इजहार, दोस्त ने फैला दी फ्लाइट में बम की अफवाह। फ्लाइट में बम है। दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट में बम से बचा हड़कंप। कहते हैं प्यार और दोस्तों में सब कुछ जायज है। इस बात को शायद ब्रिटिश एयरवेज के ट्रेनी टिकटिंग एजेंट ने कुछ ज्यादा ही गंभीरता से ले लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि एक शख्स को सलाखों की हवा खानी पड़ गई। दिल, दोस्ती और प्यार का इजहार का यह हैरान कर देने वाला पूरा मामला दिल्ली एयरपोर्ट पर शुक्रवार को सामने आया, जब दिल्ली से पुणे जाने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट उड़ान भरने के लिए रनवे पर तैयार थी। हवाई जहाज के उड़ान भरने से ठीक पहले एक अज्ञात फोन कॉल ने दिल्ली एयरपोर्ट पर हड़कंप मचा दिया। फोन करने वाले ने खबर दी थी कि स्पाइस जेट की फ्लाइट में बम रखा हुआ है। फ्लाइट को रोककर तलाशी ली गई, लेकिन बम बरामद नहीं हुआ। पुलिस की जांच जब आगे बढ़ी तो बम का कॉल फर्जी निकला। जांच में पता चला कि अपने दो दोस्तों की गर्लफ्रेंड को हवाई अड्डे पर रोकने के लिए ब्रिटिश एयरवेज के कर्मचारी अभिनव प्रकाश ने झूठी अफवाह फैलाई थी, ताकि उसके दोनों दोस्त अपने अपने गर्लफ्रेंड के साथ ज्यादा वक्त बिता सके। आईजीआई एयरपोर्ट की पुलिस ने फर्जी बम की कॉल करने वाले को गिरफ्तार किया है। महज कुछ घंटे के अंदर इस शख्स का नाम है अभिनव प्रकाश, जिसे द्वारका सेक्टर 22 से गिरफ्त में लिया गया। इस शख्स की वजह से आप जो स्पाइस जेट की फ्लाइट थी वो करीब 4 घंटा डिले हुई। आपको बता दें कि गुरुवार रात को स्पाइस जेट की फ्लाइट संख्या SG8938 में बम होने की सूचना मिली थी, जो 182 यात्रियों के साथ दिल्ली से पुणे के लिए रात 9 बजे उड़ान भरने वाली थी। विमान में सवार होने वाले यात्री बोर्डिंग गेट पर थे, तभी विमान में बम को लेकर फोन कॉल आया। फोन मिलते ही CISF और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने मोर्चा संभाल लिया और जांच में पता चला कि फर्जी कॉल थी, जिसे ट्रेनी टिकटिंग एजेंट के रूप में काम करने वाले अभिनव प्रकाश नाम के शख्स ने किया था। जब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उससे कड़ाई से पूछताछ की तो उसने बताया ये सब अपने दो दोस्त कुणाल सहरावत और राकेश उर्फ बंटी की खातिर किया था, जिनकी गर्लफ्रेंड उस विमान में यात्रा करने वाली थी। ये बहुत ही सीरियस मैटर है और इस तरह की कॉल्स की वजह से जो सरकारी तंत्र है और जितनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, हम हो गए, CISF हो गए, BKS है इधर, और जो GMR है, बाकी एजेंसीज सब काफ़ी हाई अलर्ट पर आ जाते हैं। यात्रियों को काफ़ी इसमें दिक्कतें होती हैं। जिस फ्लाइट के बारे में कॉल होती है वो उसको डिले करना पड़ता है, प्रॉपर इसका प्रोटोकॉल फॉलो होता है, तो काफ़ी जो है मैन आवर्स इस पर ख़राब होते हैं। लेकिन सवाल ये कि अगर दोस्त की गर्लफ्रेंड विमान में यात्रा करने वाली थी तो उसके लिए फर्जी कॉल कर बम की अफवाह फैलाने की क्या ज़रूरत पड़ी। बम की झूठी खबर देने वाले आरोपी अभिनव ने जब राज खोला तो उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। बम की झूठी अफवाह फैलाने वाले अभिनव प्रकाश ने बताया कि उसके दोस्त मनाली में दो लड़कियों से मिले थे, जिसे लेकर वो दिल्ली आ गए थे। दोनों लड़कियां स्पाइस जेट की फ्लाइट संख्या SG8938 से पुणे जाने वाली थी और अभिनव के दोनों दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार का इजहार करना चाहते थे। जैसे ही दोनों दोस्तों ने अभिनव से कहा कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थोड़ा और वक्त बिताना चाहते हैं, आरोपी अभिनव और दोस्तों ने मिलकर फ्लाइट को रोकने का शातिर प्लान बना डाला और फिर अभिनव ने स्पाइस जेट एयरलाइंस के कॉल सेंटर पर कॉल कर बम होने की झूठी खबर दे दी, ताकि उड़ान को रद्द किया जा सके। इसके बाद अभिनव ने फ्लाइट के अंदर बैठी अपनी महिला मित्र को कॉल किया। जब अभिनव और उसके दोस्तों को पता चला कि फ्लाइट लेट हो गई है या संभवतः रद्द हो गई है, तो उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया। लेकिन फर्जी कॉल के जरिए बम की अफवाह फैलाने वाला अभिनव को पुलिस ने अगले दिन गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उसके दोनों दोस्त कुणाल और राकेश की तलाश कर चुकी है। हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, इनके पर इनको इमीडिएटली जेल में डाल देना चाहिए और इनसे मॉनेटरी कंपनसेशन भी लेना चाहिए, क्योंकि
अगर एक बार फ्लाइट को रीचेक करना पड़ता है तो एक एक बैगेज, कम से कम अगर 200 पैसेंजर हैं तो 600 बैगेज होते हैं और कम से कम 4-5 घंटे खराब होते हैं। बताया जा रहा कि अभिनव और उसके दोनों दोस्तों ने हाल ही में बम की खबर की वजह से मॉस्को से गोवा जाने वाली फ्लाइट को रोकने की घटना को देखकर ये पूरा प्लान तैयार किया था। तीनों दोस्तों को लगा कि उनकी इस साजिश के बारे में दुनिया को पता नहीं चलेगा। 9 जनवरी को गुजरात के जामनगर में मॉस्को से गोवा जाने वाली फ्लाइट को लैंड करना पड़ा था। उस फ्लाइट में मेल के जरिए बम की खबर मिली थी, लेकिन जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। करीब 9 घंटे के इंतजार के बाद यात्रियों को अगले दिन यानी 10 जनवरी को गोवा रवाना किया गया था। बीते कुछ दिनों में कई फ्लाइट में बम होने की कई बार झूठी अफवाह फैलाई गई। बम की झूठी खबर देखकर यात्रियों को संकट में डालने वाले ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए पुलिस को कड़ा कदम उठाना पड़ेगा, ताकि भविष्य में बम की झूठी अफवाह फैलाने की कोई हिम्मत ना जुटा सके। टीम न्यूज़ नेशन।